नमस्कार और आदाबाद सनीचरे। जुलाई की 11 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। कोविड 19 का मात्र खलन जो है ये कुछ हद तक हटा दिया गया है। फीसा प्रेसिडेंट अश्विन अधीन एक स्टेटमेंट में बीते हुए सोमवार को कुछ बातें कही है। ये ओस्ट सुरीनाम को छोड़कर बाकी के हिस्सा में सुरीनाम देश का कुछ फर्शुपलिंग आए है यह कोविड मात्र खलन का, लेकिन ये कहा गया है कि सभी जो मात्र खलन था हिहियाना और फैल हेट्स मात्र खलन, इस पर लोगों को गौर करना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए। यह ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर लोगों को ज़रूर गौर करना है। हाथ को धोना या अंदर हलफ तक 2 मीटर अफस्तान और भी मौत कप के साथ कहीं पर अगर बाहर आप जाएंगे, लोगों के बीच में आप रहेंगे तो एक मौत कप आपको इस्तेमाल करना है, ये कहा गया है। वैसे ऑनरवाइज प्रोसेस जो है एग्ज़ाम क्लासेस के वास्ते ये सोमवार से भी शुरुआत हो गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये है ओस्टन के छोड़कर, सुरीनाम देश के ओस्टन हिस्सा के छोड़कर। जो आफन क्लॉक था ये अब है सोमवार से आफन क्लॉक रहेगा, या है 10 बजे रात से सुबह में 5 बजे तक। रिलीजियस ग्रुपेरिंगन हॉरेका सेक्टर स्पोर्ट्स कॉलन और कैसीनोज जो है, जो लोग कोविड 19 मैनेजमेंट टीम के साथ बातचीत किए हैं और सभी फोर्स और अस्मात रेखलन लिए हैं, ये सब फिर से अपना दरवाज़ा खोल सकते हैं और अपना काम फिर से चालू कर सकते हैं। वैसे अफसोस की बात यह है कि 15वीं शख्स का देहांत हुआ है, ये बीते हुए मंगल को अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो में। ये 15वीं कोरोना दौद जो लोग घोषित किए हैं, उसके बाद खबर आई है मंगल के शाम को कि 16वीं शख्स का देहांत भी हो गया है वानिका के रेगियोनल सिकन हाउस में। और फिर कोविड 19 के 17वीं बुध को हुआ है, 15 और 16 मंगल को बुध के 17 शख्स का देहांत हुआ है, 17वीं शख्स का देहांत हुआ है। और ये एक 84 साल फिरन तख्तख यार का आदमी रेगियोनल सिकन हाउस वानिका में इसका देहांत हुआ है यह कोरोना वायरस या वायरस से। वैसे 18 पर्सन का देहांत भी हो गया है और ये कल सुख के शाम को हुआ है। ये कोविड मात्र खलन जो है सभी अभी तक चालू है, इस पर आपको गौर करना है, क्योंकि ये कोविड ये कोरोना वायरस जो है ये अभी तक नहीं गया है और ये कभी नहीं जाएगा, ये आया है रहने के लिए। और इस पर ये कोविड मात्र खलन जो है इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। एक हादसा एक आन रेडिंग हुआ है कैनेडी वेग में, जहाँ पर ग्लैडिस आली मुस्तार और रोज मंगू दी नोमो 47 और 43 यार एतवार को यह हादसा हुआ है कैनेडी वेग इलाका पारा में। ये दोनों स्त्रियां जो है इन दोनों के मृत्यु हो गई है यह हादसा से। दोनों एक मोट और फिट्स पे थे, एक ऑटो विस्तृत जो है फोरंग नहीं दिए है, जाकर दोनों से टकराए हैं और इन दोनों औरतों जो है दोनों के देहांत वहीं पर हो गया है। इन दोनों के देहांत हो जाने से फिर के 12 मीटर 27 पर आकर पहुँच गए इस साल के वास्ते। प्रेसिडेंटशिप और वाइस प्रेसिडेंटशिप के वास्ते कैंडिडेट लिस्ट इन दिन हो चुका है। मौका था बीते हुए बुध के शाम 3 बजे तक ये कैंडिडेट लिस्ट इन दिन करने के वास्ते। हम आपको बता दें कि फेहापे का फोर्सिटर चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंटशिप के वास्ते इनका कैंडिडेट लोग ठहराए हैं, और आबॉब का लीडर रोनी ब्रंसवेक को वाइस प्रेसिडेंटशिप के वास्ते कैंडिडेट ठहराया गया है। असेंबलीलेट मारिनस वे जो है संतोखी का ये जो कैंडिडेट स्पोर्ट रहा जो है कैंडिडेट के वास्ते प्रेसिडेंटशिप के वास्ते 33 लेडन की तरफ से इन दिन किया है। और आशीष कुमार गयादिन ब्रंसवेक का जो फोर्द्राह था इसको ये इन दिन किया है, ये भी 33 लेडन के तरफ से। ब्रंसवेक ये कहा गया है कि फोर्सेतर का जो हटोड़ा है इसको अपना क्वालिट सिलेट जो है अपना पार्टी का मारिनस बे के हवाले करने वाले हैं। मुमकिन है मारिनस बे फोर्सेतर बनेगा पार्लियामेंट का जब ब्रंसवेक फिस प्रेसिडेंट चुना जाएगा।
वैसे बताने की बात यह है कि बुध के शाम 3 बजे तक मौका था कनिदात लैस्त इन दिन करने के वास्ते, लेकिन ब्रंसवेक और संतोखी को छोड़कर दूसरा लैस्त लोग नहीं इन दिन किए है, कोई भी दूसरा लैस्त इन दिन नहीं किए है। तो इसका मतलब यह है कि मुमकिन है अक्लमासी के जरिए संतोखी और ब्रंसवेक प्रेसिडेंट और फीसा प्रेसिडेंट चुना जाएगा आने वाले सोमवार को, जुलाई के 13 तारीख को यफरकी सिंह होगा पार्लियामेंट में। मनी नजबे हम आपको बता चुके हैं ब्रंसवेक की जगह लेगा, फोरशेतर बनेगा पार्लियामेंट का। और ये भी मैं आपको बता दें कि रोनी ब्रंसवेक की कैंडिडेट स्टेलिंग पर बहुत से लोग कटास किए हैं, बहुत से लोग अपना इतराज़ पेश किए हैं, बहुत से लोग सहमत नहीं, वो इसलिए इनके अतीत के कारण, इनके फरलीद के कारण जंगल कमांडो से जुड़े हुए, और साथ में भी इनको एक फर और देलिंग है हॉलैंड में और भी फ्रंकराइट में और भी कुछ बेकानूनी काम जो वो पेशतर किए हैं। इसी सिलसिले में लोग कहे हैं कि लोग बहुत से लोग सहमत नहीं है कि ये फीसा प्रेसिडेंट बने, लेकिन इस पर एक रिएक्शन दिए है। रोनी ब्रंसवेक ने कहा है कि जनता ने उन्हें चुनकर वहाँ पर बैठाया है, अगर ये जनता का फैसला है तो वो ज़रूर उस पदवी पर बैठेंगे, और जनता का जो फैसला है इसको लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसको लोगों को भी मानना चाहिए। वैसे इस पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी कहे है कि सभी कार्य जो हुआ है सभी कानून के मुताबिक हुआ है, और ये ब्रंसवेक जो है ये कानूनन फीसा प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये कहा है कि संतोखी ने कहा है कि लोगों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लोगों को अतीत में वहाँ पर नहीं फंसना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। NPS पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान काफ़ी भी कुछ चल रहा है, बहुत से लोग नाखुश है इस वक्त जो मामला चल रहा है वहाँ पर कैंडिडेट स्टेलिंग के सिलसिले में। कैंडिडेट मिनिस्टर्स के जो लिस्ट बाहर आए हैं, नाम जो बाहर आए हैं, बहुत से लोग NPS के अंदर खुश नहीं है, ख़ासतौर पर मिनिस्टर्स कैंडिडेट अंडरवेज वेतनस्काप एंड कल्चर के मिनिस्टेरी के वास्ते लोग सहमत, आपस में सहमत नहीं है। नाम लिया गया है डैनियेला बिल्ट स्नाइडर का मिनिस्टर के के वास्ते अंडरवेज पर, लेकिन ज़्यादातर पर लोग NPS के अंदर इस बात से खुश नहीं है, इसके कैंडिडेट स्टेलिंग से खुश नहीं है। लोगों का ये मानना है कि अंडरवेज का मिनिस्टर किसी ऐसे शख्स को बनना चाहिए जिसको काफ़ी तजुर्बा और जानकारी भी है इस विषय में। वैसे आर्नोल्ड क्रॉसलन जो अंदर फोरशेदर कांग्रेस वस्तूर का है, ये कहते हैं कि फरकी सिंह के समय NPS एक बहुत ही बड़ा गलती कर चुके हैं, और ऐसा ना हो कि ये दूसरा गलती हो और ये NPS को काफ़ी भारी पड़ेगा। वैसे ये जो कैंडिडेट है डैनियेला बिल्ट-स्नाइडर का, इससे ज़्यादा लोग खुश नहीं है, लोग चाहते हैं कि शांति फिनिचान जो एक्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड फिनिचान की बेटी है, इनको मिनिस्टर ठहराया जाए अंडरवेज वेतनस्काप एंड कल्चर पर। वैसे अगर फरकी सिंह आउटलुक देखा जाए तो शांति फिनिचान को लगभग 4000 वोट मिले थे और डैनियेला बिल्ट-स्नाइडर को इससे कई गुना और कम वोट मिले हैं। इसके आधार पर भी कहा गया है कि ज़्यादा तौर पर लोग शांति फिनिचान को चाहते हैं, इसको लोग चुन किए थे ये फरकी सिंह के दौरान। एक दूसरा नाम लिया गया है सिल्फानो चोनाहिंग का मिनिस्टर बनने को, रामतिलक ऑर्डनिंग एनमिलियोई का। इस बारे में NPS के अंदर लोग सहमत है, इसके लिए लोग राजी है, लेकिन जो अंडरवेज के मिनिस्टर कैंडिडेट, इस पर अभी चर्चा हो रहा है। और ये अब सुनने में आया है कि एक कोर्ट खदिंग भी चलाया गया है, कल सुख को एक कोर्ट खदिंग इन दिन हुआ है, और ये है NPS के होफ बस्तूर और कुछ लेडन पर, 2 NPS लेडन के जरिए माइकल लॉसवेग और एरिक फेलर जो है ये सब ये कोर्ट खदिंग इन दिन किए हैं, एक मुकदमा चलाई है, और ये सब चाहते हैं कि सही तरीका पर जैसे पार्टी के स्टैट्यूट में लिखा गया है कैंडिडेट मिनिस्टर्स का फोर्द्रा हो एक कांग्रेस फरखादरिंग पर। सेटिंग्स पीरियड ये भी कहा गया है इस वक्त का बस्तूर का भी ख़त्म हो चुका है 21 मई के 21 तारीख को, और
ये आज 11 बजे ये जो कोर्ट खदिंग चलाया गया था यह मुकदमा है। एक आज सुबह 11 बजे यह मुकदमा था, यह कोर्ट खदिंग, और भी एक कांग्रेस लगाया गया है। इसमें हो सकता है, मुमकिन है, कहा गया है कि बिल स्नेडर का जो कैंडिडेट मिनिस्टर का लेस पर इसका नाम था, यह नाम अब यहाँ से निकाला जाएगा। मुमकिन बिल स्नेडर अब मिनिस्टर नहीं बनेगा ऑन द वे इसका। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि फिच रेटिंग ब्यूरो जो है सूरीनाम देश का क्रेडिट वाट है जो है नीचे लाए हैं, और इसके बाद अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो है ये भी एक रेटिंग ब्यूरो है, ये भी सूरीनाम देश का क्रेडिट वाट है जो है ये कम किया है, ये नीचे लाए है, मतलब ये घट गया है। ये बेद्री से आद्री तक लाई है, और जैसे पिछले हफ्ता हम आपको बताई ये डाउनग्रेड जो है ये मतलब ये है कि सूरीनाम देश जो बुदलान सोल्डन कर्जा है सूरीनाम देश का, वक्त पर ये सूरीनाम देश चुका नहीं पाई है। जून के 30 तारीख को जो अफबा का दम के वास्ते कर्जा लिया गया था, इसका पैसा जो है एक अफलोसिंग करना था रेंत के समेत रेंत के साथ, लेकिन ऐसा सूरीनाम देश नहीं कर पाई है। इस अफलोसिंग के सिलसिले में, कर्जा के अफलोसिंग के सिलसिले में लोग बातचीत किए हैं और कुछ और मोहरत का मांग किया गया है। तो ये जो ओवर इनकम्स दस्तखत हुआ था अफलोसिंग के सिलसिले में, इसमें कुछ बदलाव आई है और सूरीनाम देश को अब मौका मिला है, कुछ और मोहरत मिला है पैसा चुकाने के वास्ते। लेकिन बात तो है कि ये जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस या रेटिंग ब्यूरो जो है सूरीनाम देश का क्रेडिट वाट है जो है और नीचे लाए है या और घट गया है। कर्ब्स पॉलिसी सूरीनाम की तरफ से और डेलिंग रे एक्साम की तरफ से यह खबर आई है कि रे एक्साम्स जो रोक दिया गया था मार्च के 16 तारीख से COVID-19 के वजह से, सोमवार जुलाई के 20 तारीख से लोग फिर शुरुआत करेंगे एग्जाम से। कैंडिडेट जिन लोगों को एक डेट दिन तारीख मिल चुका था, एग्जाम डेट मिल गया था, उन लोगों को पहला मौका मिलेगा एग्जाम करने के लिए, और उसके बाद फिर लोगों को डेट मिलेगा। यह भी कहा गया है सभी COVID-19 मात्रीकरण पर लोगों को गौर करना है। अगर वहाँ पर आप आएंगे तो एक मौत कापिया के साथ आपको आना है, हाथों को आपको साफ करना है, ऑनस्मैथ करना है, और भी टेम्परेचर मीटिंग किया जाएगा लोगों का। जिन लोगों को खांसी बुखार इत्यादि है उन लोगों से गुजारिश किया गया है वहाँ पर नहीं आने को, अपना डॉक्टर के पास आपको जाना है। वैसे ये भी हम आपको बता दें COVID-19 से जुड़े जो वैध बुर्खर लगा औसौंदरिंग सुस्तान COVID-19 तीन महीने के लिए पंच घर में पास हुआ था अप्रैल महीना में, ये इसका समय बीत चुका है, ख़त्म हो गया है। तो कल फिर तक अलखमेन स्टेमन के साथ एक महीने के वास्ते ये वैध जो है ये कानून जो है फिर से फरलेंग हुआ है, और ये फिर तक अलखमेन स्टेमन के साथ हुआ है। दे एन आ जो है कल पंचघर में इसके लिए 40 लोग अपना रजामंदी दिए हैं, और ये फरलेंगे अगस्त के 9 तारीख 9 अगस्त 2020 तक। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।